अच्छा, तो इसको इसके अंदर लिख दें फॉर एग्जांपल हमें एक H1 चाहिए और फर्स्ट कर लें इधर काउंट, और फिर यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक स्टेट बनाएं और इधर लिख दें दिस डॉट स्टेट, ठीक है, इज़ इक्वल टू, जब पहली दफ़ा हम स्टेट बनाएंगे तो उसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम कंसेक्यूटिवली इस स्टेट को चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम फंक्शन यूज़ करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये याद रखें कि सेट स्टेट का फंक्शन हम सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स में यूज़ करेंगे, जब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में जाएंगे तो फिर उसमें ये मसला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक हमने क्लास कंपोनेंट्स ना पढ़े, सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट्स ना पढ़े। अच्छा, अब इसमें इसको कुछ भी असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल इधर मैं काउंट की वैल्यू दे दूं या आईडी दे दूं या नंबर दे दूं, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं NUM दे रहा हूं और इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और यहां आप फिर क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट और NUM, यानी इसका मतलब ये है कि स्टेट से वैल्यू उठाकर यहां प्रिंट कर। अगर मैं इसको रन करना चाहूं तो मैं इसको अभी एज इज़ रन कर सकता हूं, यहां पर मुझे ज़ीरो नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ npm start के थ्रू, तो ये स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये स्टेट की वैल्यू प्रिंट होती हुई नज़र आएगी, जो कि आप उधर उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन से, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बटन बनाना था, और अगर वो बटन हम बनाएंगे तो इसके ऊपर आप जो भी कुछ लिखना चाहें लिख दें। अच्छा, आपको ये भी वो नज़र आएगा, तो सिर्फ सैनिटी टेस्टिंग करने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इधर ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर बना दें, और इवेंट लिस्टनर आप यहीं पे भी हैंडल कर सकते हैं, और अगर कोई फंक्शन बनाना चाहे तो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और देखें ये काउंट और ये ज़ीरो अब कहाँ से आ रहा है, आपको ये स्टेट से आ रहा है, सही। तो अब अगर इसको मैं यहीं पे डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा, यानी एक एम्प्टी फंक्शन बना दूँगा और इसके अंदर मैं अपना जो भी कुछ लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जब इस बटन पर क्लिक होगा तो इस फंक्शन में जो भी कुछ है वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये भी सही है, अगर आपके फंक्शन के अंदर काम कम है तो फिर तो यही सही है जिस तरह से मैंने भी लिखा है, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर काम ज़्यादा है तो फिर आप इसको ऊपर डिफाइन कर दें कंस्ट्रक्टर के नीचे। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बना लेता हूँ, INRC जी, हाँ सॉरी, रेंडर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के नीचे नहीं, रिटर्न के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ डिफाइन कर दें और इसको नाम दे दें, जो भी नाम देना चाहें, प्लस नाम दे दें, ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने बना दिया है प्लस, और ये याद रखें कि जब आप कोई इस तरह का फंक्शन डिफाइन करेंगे और अगर ये एरो नहीं है तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अगर ये एरो नहीं बनाना चाह रहे तो क्या कुछ करना पड़ेगा, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन अगर मैं प्लस लिखता हूँ ऐसे, तो मैं इधर लिख दूँगा कॉन्स्ट प्लस इज इक्वल टू, और फिर वेरिएबल का नाम, और फिर आप, यानी ये नॉर्मल एरो फंक्शन बन गया, जिस तरह से हम एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं इस प्लस के फंक्शन को कॉल करना चाहूँगा, ये याद रखें, इसके साथ पैरेंथेसिस नहीं लगाने, सिर्फ उस फंक्शन का नाम लेना है, सही है। इसको जब आर्गुमेंट हम पास करेंगे तो वो ऐसे नहीं करेंगे, इसका फिर अलग से तरीका है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, वो हम फिर ऐसे करते हैं, यानी ई और फिर इसके अंदर हम प्लस के फंक्शन को कॉल करेंगे, ये बाद में आएगा, इसको फ़िलहाल भूल जाएं। हम फिलहाल इस फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ इस फंक्शन को एज इज कॉल कर रहे हैं। असल में इस प्रोग्राम का मकसद आपको स्टेट समझाना है, आपको इवेंट हैंडलिंग नहीं समझाना। इवेंट हैंडलिंग वैसे भी हम पढ़ेंगे, और हम मुख्तलिफ बटन से इवेंट्स लेंगे, ड्रॉप डाउन से और चेक बॉक्सेस से, और तो वो इवेंट हैंडलिंग फिर वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको स्टेट समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेट किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम प्लस पे आ जाएँ तो यहाँ हम इस एग्जिस्टिंग स्टेट को मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो यहाँ इसके लिए आप एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है सेट स्टेट, और ये पहले से बना हुआ फंक्शन है। सेट स्टेट हमेशा आपसे एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपने इस स्टेट को मॉडिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस स्टेट के अंदर जो पहले से बना हुआ है उसके अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है नम, उसको असाइन करो, जो भी कुछ आपके पास स्टेट पे पहले से है वो असाइन करो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नम में जो भी कुछ है उसके साथ कितने का इजाफा कर दो, वन का। इन अदर वर्ड्स, एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ वन को ऐड कर दो, तो जो भी कुछ आए वो किसे असाइन करो, NUM को। तो हमने ओरिजिनल स्टेट को मॉडिफाई कर दिया, हदे की इम्पॉर्टेंट खबर है।
वो मैं कल नहीं बता सका क्योंकि कल फिर ये ओवर हो जाता। अभी सुन लें, अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे करूँ, फॉर एग्जांपल NUM2, और इसको मैं 100 असाइन करूँ, ठीक हुआ, आपके ख्याल में इसके साथ क्या होगा या क्या होना चाहिए? नॉर्मली इसके साथ क्या होता है? जी नहीं 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 अब हाँ सर, लेट सपोज ये सेट स्टेट मेथड नहीं है और मैं ऐसे लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू NUM 100, आपके ख्याल में इसकी इसके इसका क्या सी शिकल बन जाएगी? तो उस पर खबर हो गई जिससे वेलकॉलम का ना नोर प्रे दे दी एन एम टू सर से की ये रहेगा अपनी जगह या ये ख़त्म हो जाए ओवर राइट प्रेदा चिदसूली गलोगे ना। इसका मतलब ये है कि NUM को तो 100 कर दो और बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दो, समझ आई है? अगर मैंने इसको भी मॉडिफाई करना है और इसको भी मॉडिफाई करना है तो फिर मैं ऐसे लिखूँगा NUM 100, अब अपनी जगह ये कायम रहेगा NUM 2। लेकिन अगर ये मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट में अभी सिर्फ NUM की वैल्यू को 0 से 100 करो, बाकी नोर से लड़ेगा, समझ आई है? ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन सेट स्टेट मेथड में कमाल ये है कि अगर आप किसी स्टेट के किसी हिस्से को मॉडिफाई करेंगे तो बाकी के हिस्से उसी तरह से रहेंगे, बाकी मॉडिफाई नहीं होंगे। तो अब अगर मैं इस NUM को मॉडिफाई कर रहा हूँ तो NUM 2 अपनी जगह कायम है, उसमें उसको किसी ने ना छेड़ा है ना कोई चेंज हुआ है। बस बता खबर मैंने पूछ भाई नो लगा सेट स्टेट मेथड यूजफुल जिकम जरूरी थी कदमूंगा डायरेक्टली असाइन कूल और व्यापा एग्जिस्टिंग टूल खराब है ठीक हुआ। सेट स्टेट मेथड क्या करता है, ये बाकियों को चेंज नहीं करता, सिर्फ उसको चेंज करता है जो आपने उसे कहा है। बता खबर मैंने पूछ भाई चलो अब ये चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा इसको। अच्छा वो बटन, अच्छा बटन को मैंने सेव कर दिया है, सेव किया है कि नहीं सेव किया है, सही है। चलो इसको क्लिक कर दें तो देखें ये स्टेट मॉडिफाई हो गया, ठीक है। और ये कल मैंने इनको बताया था कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिएक्ट का फ़ायदा ये है कि आप अगर यहाँ आ जाएँ इस एलिमेंट्स में और यहाँ पर आप इस डिफ को देख लें, ये मैंने ये इस डिफ के बारे में मैंने बताया था ना कि आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ डाल दी जाती है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखें ये काउंट है, H1 के अंदर काउंट लिखा हुआ है और फिर क्या है, फिर जीरो लिखा हुआ है। तो देखें इनको इसने डबल कोट्स में बंद किया है, सही है, इसको अलग से डबल कोट्स में बंद किया है। इसे भी पता है, रेट को पता है कि ये जो है ना ये नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये स्टेट वाला स्ट्रिंग है। तो अगर मैं अब इस बटन को प्रेस करता हूं तो बाकी कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं होगी सिवाय इस एक जीरो के, इवन ये काउंट और साथ में ये स्पेस लिखा हुआ है ना ये भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो अगर मैं इसको देखें क्लिक करता हूँ तो देखें सिर्फ जीरो से वो वन जो जगह नीचे फ्लैश कर रही है सिर्फ वो जगह चेंज हो रही है। तो आप इमेजिन करें कि आपके वेबसाइट में पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है उसमें से कोई भी चीज़ रिफ्रेश नहीं होगी सिवाय उस जगह के जो कि चेंज हुई है। तो आप मिनिमम बात कर रहे हैं सर्वर के साथ, सिर्फ तब बात कर रहे हैं जब ज़रूरत पड़ती है। बस खबर मैंने पूछ ली जिससे ठीक हुआ। तो ये बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता हो कि स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट को ऑटोमेटिकली पता है कि मैंने किस जगह को मॉडिफाई करना है, किस जगह को मैंने मॉडिफाई नहीं करना। तो अगर किसी वजह से ये स्टेट चेंज हो रही है तो सिर्फ वही जगह चेंज होगी, बाकी की चेंजेस नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैंने ये बताई थी कि अगर आपके पास काफ़ी सारी एक वेबसाइट है, उस पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और उन सब प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं और एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो चेंज हो जाए तो बाकी किसी जगह चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ उस एक प्रोडक्ट की वही प्राइस चेंज होगी, कोई शुभ खबर मैं। तो ये इसका फ़ायदा है। अच्छा अब इसके अलावा फिर अगर माइनस के लिए बनाना चाहें तो वो तो अब आसान है ना, आप लिख दें माइनस और इज इक्वल टू और यहाँ पर आप इसके लिए दिस डॉट सेट स्टेट फंक्शन कॉल करें, उसको ऑब्जेक्ट पास करें और इधर नम लिखें और दिस डॉट स्टेट डॉट NUM माइनस वन होगा तो ये माइनस हो जाएगा। और रिसेट के लिए तो बड़ा सिंपल है, रिसेट का जो बटन है उसके लिए तो बड़ा ही आसान है, उसके लिए स्टेट सेट भी नहीं करना, बस डायरेक्टली इसको ज़ीरो असाइन करना है, ठीक है। यहाँ लिख दे दिस डॉट सेट स्टेट और ऑब्जेक्ट में ज़ीरो पास करें। अगर थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा वो है स्टेट्स है तो फिर आप ऐसे लिखेंगे NUM कोलन ज़ीरो, ऐसे समझ आई है। तो बस ये मॉडिफाई हो गया।
अब अगर हम बटन्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ पर आप प्लस लिख दें, यहाँ माइनस लिख दें, या अगर आप वो है थोड़े ज़्यादा फैंसी हैं तो वो आइकन्स डाल लें सेमेंटिक यूआई से, और जो ग्लिफिकॉन्स वगैरह डालना चाहें डाल लें। माइनस का फंक्शन कॉल करें और यहाँ रीसेट कॉल करें, ठीक है, और यहाँ भी रीसेट कर। तो यही काम था कल जो मैंने बताया था, ये प्लस करने से ये स्टेट इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस करने से मॉडिफाई हो रहा है यानी नेगेटिव में जा रहा है, और उस रीसेट करने से ज़ीरो हो रहा है, और ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं ना, तो नंबर्स को जा सकते हैं। और दस सिर्फ द खबर है ना, वी कैन मॉडिफाई एनीथिंग इस तरह से, ठीक है ना। फिर हम मैंने एक दूसरी एग्जांपल आपको बताई थी, दे माने पुश हुई दे एग्जांपल। फिर दूसरी एग्जांपल मैंने ये बताई थी कि आप एक काम करें, ये भी छोटा सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे आपकी कंडीशनल रेंडरिंग आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वो काम ये है कि आपके पास एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है और यहाँ एक बटन है, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो इसके ऊपर लिखा हो हाइड, ठीक है, जब इस पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट हाइड हो जाए और इस बटन पे क्या लिखा हुआ आ जाए, शो। तो आप मुझे बताएं इसमें कितने स्टेट्स हैं, और कल मैंने बताया कि स्टेट्स कैसे चेक करते हैं, इसमें कितने स्टेट्स हैं कैसे चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टेट हम हमें कैसे पता चलेगा कि इस एक कंपोनेंट में कितने स्टेट्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि दो हैं, दो जगह मॉडिफाई हो रही है। वैसे ये भी हो सकता है कि ये मॉडिफाई ना हो, यानी ये टेक्स्ट तो मॉडिफाई नहीं हो रहा, सिर्फ हाइड और अनहाइड हो रहा है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी स्टेट हो, लेकिन इसको अगर स्टेट रखें तो और बेहतर है, नहीं रखना चाह रहे ये चेंज नहीं हो रहा तो ना रखें, लेकिन एक स्टेट तो कम अज़ कम इसमें है। कौन से वाला, ये बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है, बटन नहीं, बटन चेंज नहीं हो रहा, बटन तो वही है, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो स्टेट है, इसकी समझ आई है, बटन के ऊपर जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, यानी हाइड हो रहा है और शो हो रहा है, इसकी समझ आई है। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हम, यानी इसको बनाने के लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, और यहीं पर मैं वो फाइल बना देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल शो और हाइट और चेयर, सही है, और इसको मैं index.js में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसका नाम है शो हाइट, और ये फाइल शो हाइट से इंपोर्ट हो रहा है, और यहाँ हम इसको रेंडर कर रहे हैं तो शो और हाइट, ये मैंने ऐसे लिखा, तुमरा ठीक है, तुमरा हो ही गई ना बने बने। अब मैं बार बार दूसरी फाइल्स नहीं बना रहा, बस एक ही फाइल के अंदर मैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ या RCC कर दें या ख़ुद बना दें, अपनी मर्ज़ी है। ये कंपोनेंट बन गया, और यहाँ पर हम दो चीज़ें डालेंगे एक इस डिप के अंदर। एक तो आप ऐसे करें कि इसके अंदर एक वो डाल दें, एक पैराग्राफ डाल दें या H1 डाल दें, सम टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी अ लॉन्गर टेक्स्ट, सही है, ये एक H1 है, और यहाँ इसके नीचे एक बटन है जिसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है ना वो हमें नहीं पता, वो स्टेट से आएगा, समझ आई है। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं लिख रहा, स्टेट के लिए मैंने बताया था कि हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर कंस्ट्रक्टर डाल दें और इधर स्टेट लिख दें, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और अब स्टेट डाल दें जो भी आप स्टेट डालना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबल है, मैंने इसका नाम लेबल रख दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिखा होता है, हाइट, तो यहाँ लिख दें हाइट, समझ आई है ना, इसके ऊपर हमने क्या लिखा, हाइट, और यहाँ इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल, समझ आई है। इसको सेव कर दें और इसको रन कर दें, तो होपफुली रन हो जाएगा, शो हाइट इज़ नॉट डिफाइंड, एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट हो गया है, शो हाइट जी, अच्छा एच स्मॉल है ना, तो इस वजह से अभी ठीक हो जाएगा, अभी सही है। अब इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसको शो हो जाना चाहिए और इसको यानी हाइड हो जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अब मुझे ये बताएं इसके साथ मैं क्या करूं, इसके साथ इसको इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाएंगे, इसके ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्टेट के अंदर शो है तो इसको क्या करो, शो करो, इसको हाइड कर दो, और अगर स्टेट के अंदर हाइड है तो इसको क्या कर दो, इसको शो कर दो, उल्टा करना है ना असल में। तो इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो टर्नरी ऑपरेटर लगाएं,
और या वो एंड वाला चक्कर करे, समझ आई है, दोनों कर सकते हैं। तो मुझे तो वो एंड वाला काफ़ी पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाएं, इस पूरे H1 को आप ब्रैकेट्स में बंद कर दें ऐसे, और इसके अंदर अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इक्वल 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 हाइड है, तो फिर क्या करो, एंड एंड क्या कर दो, इसको शो करो। और अगर उसके अंदर हाइड नहीं है, ये एच में स्मॉल कर देता क्योंकि ये वैल्यू है ना। तो ये देखें, अब ये शो होगा या हाइड होगा, अब ये शो होगा। देखिए इसके ऊपर हाइट लिखा हुआ है तो ये शो हो रहा है, समझ आई है। और अगर इसके ऊपर कुछ और लिखा हो, हाइट ना लिखा हो, तो ये क्या हमें नज़र आएगा, नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक ई का इजाफा कर देता हूँ तो ये नज़र नहीं आ रहा, हजू खबर हमारे पूछ में क्या ना। तो इसको अब हम मॉडिफाई करेंगे, इसके ऊपर इस बटन के ऊपर आप इवेंट लिस्टर लगाएं ऑन क्लिक का, और इसको कुछ नाम दे दें, फॉर एग्जांपल चेंज कर दें या जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर दें। चलो मैं अब फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इवेंट हैंडलिंग को। तो यहाँ मैं सिंपल इस तरह से लिख रहा हूँ, और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट को मॉडिफाई करेंगे। जब ये बटन क्लिक हो तो क्या करेंगे, स्टेट को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ लिख दें दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। और मुझे बताएं इसके साथ क्या करें, लेबल हमारे सर सबल से कुल मुख्तफ सा, चलो ये भी सही है। हाइट पे क्लिक करेंगे तो हाइट हो गया, और तब यह शो रहा हो, ठीक देखा ना, कुछ शो मैंने क्लिक किया बने की है ना, मैं इसी वजह से मैं थोड़ा पॉज हो गया। इसके साथ क्या करें, इसका एक आसान हल है, नॉट इक्वल टू क्या, कहाँ पे, लाइन 13 पे, ये क्या लिखें, मैं एक आसान तरीके समझाऊँ, हाँ दो स्टेट्स से भी हो सकता है, दो स्टेट से तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन एक स्टेट से भी ये हो सकता है। हमने ये स्ट्रिंग रखा है ना, तो अगर मैं इसको वो कर दूँ, एक सेकेंड, तो नहीं, दो स्टेट्स रखने पड़ेंगे, मजबूरी है। और यहाँ पर स्टेटस रख दें, स्टेटस, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दें, ट्रू कर दें, सही है। अब ये इसका लेबल है और ये इसका स्टेटस है, तो हम लेबल को चेक नहीं करेंगे, हम किस को चेक करेंगे, स्टेटस को चेक करेंगे। और मैंने शुरू में भी बताया था कि इसके इक्वल 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 ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बूलियन वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेटस, तो इससे ट्रू आएगा तो नज़र आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। और इस अब इसके साथ यहाँ क्या करें, लेबल तो शो हो गया, लेकिन यानी स्टेटस के साथ क्या करें, स्टेटस को उल्टा करना है, जो पहले था वो उल्टा हो जाए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्टेटस को ऐसे लिखेंगे दिस डॉट, नहीं स्टेटस, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेटस को उल्टा कर दें, ना सिंपल सी बात है, उल्टा करना है ना, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो यानी नॉट ट्रू से शेरे फॉल्स, और नॉट फॉल्स से शेरे ट्रू, सही हुआ ना, दाय वो चल रहा किश्ता दैट टॉगल बटन दबा रही उसकी, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी मेरे ख्याल में ठीक हो जाए, सही है। तो इसको टॉगल बटन कहते हैं, दाल तो पकारी की जी कल उस पदे क्लिक कम बदलते हो लाइट बल शी, और पदे बटन पर क्लिक कम ऑफ शी, समझ आई है। ये टॉगल बटन जिससे, ये भी टॉगल बटन है ना, एक वक्त में एक स्टेट हो सकता है, या ऑफ होंगे ऑन होंगे, दोनों नहीं हो सकते, तो ये भी टॉगल बटन है, ये हमने एक अपना टॉगल बटन बना दिया है, बस पूछो मेरे खबर में। आखिर में मैं एक तरीका सिखाऊंगा, ये सिर्फ आपको मैं ट्रेन कर रहा हूँ किसी एक बड़े काम के लिए, वो बड़ा काम बाद में आएगा, वो आप में से किसी को भी नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो स्टे विद मी, फिलहाल तक समझ आ रही है, ये याद रखें कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं, सिर्फ इतना है कि आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बगैर तो पता है आपको प्रोग्रामिंग भूल ही जाती है,
तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, इसकी अगर आपको समझ आई है तो हम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से वो अगर ये वो नहीं है यहाँ पर जो हमने वो नॉर्मल एरो फंक्शंस बनाए थे ना, अगर हम नॉर्मल फंक्शंस बनाएंगे तो उसमें क्या मसला है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसकी समझ आ गई ये वाली। ठीक है, इसको अभी आगे जाते हैं और मैं आपको यहाँ एक दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल नॉट एरो डॉट जे एस, नो एरो डॉट जे एस। ठीक है, और इसके लिए मैं एक क्लास बना देता हूँ और इंडेक्स डॉट जे एस से मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिए नो एरो को इम्पोर्ट कर लें। ठीक है, आपको ये असल में नज़र आएगा जगह जगह, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, तो इस वजह से। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया है और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक स्टेट बना दी है। अच्छा, इस वेरिएबल का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक ना, ये ऐसा ही रहेगा, ये स्टेट ही रहेगा, ऐसा ना बेवाला मशहूर मतलब मिला रहे। ठीक देखा ना। अच्छा, और दिस डॉट स्टेट में फ़र्ज़ कर ले एक आईडी है जो कि फ़िलहाल ज़ीरो है और हम इसको नीचे यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने सिर्फ नॉर्मल स्टेट्स के साथ बात की है अभी तक। मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर ये स्टेट एरो हो जाए, सॉरी एरे हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ये अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वो दे दें, H1 दे दें या जो भी देना चाहें, और यहाँ लिख दें दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है आईडी, तो यहाँ पर हम आईडी शो कर रहे हैं, और एक बटन बना दें जिसके थ्रू हम इसको मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ इसके लिए फंक्शन बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑन क्लिक से इसको चेंज फंक्शन में कॉल करना चाह रहा हूँ, तो इस रिटर्न के ऊपर रेंडर के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे चेंज का। तो लेट सपोज मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है और मुझे काफ़ी बड़ी गलती हुई है कि मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है चेंज। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको कॉल करेंगे ना तो इसे पता ही नहीं है कि ये चेंज क्या है। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको सेव करेंगे ना, और इसको अगर मैं रन कर दूँ, अच्छा क्या मसला, सॉरी अभी सही वो रेंडर नहीं हुआ था ना। ठीक शुआ कज दिल था द कुलाव कम करा और ज कंसोल माने क्लिक कमा। अच्छा, ये तो खैर लिसन कर रहा है लेकिन लिसन तो करेगा, तो देखिए वो मसला देगा ना, हम यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं लेकिन अगर मैं इधर स्टेट को मॉडिफाई करूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा ना, दिस डॉट सेट स्टेट ऐसे लिखूँगा और फिर इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इधर मैं लिख दूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो आईडी है उसको क्या कर दूँ, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 100 कर दूँ। तो अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा नो ख्याल घूमने देगा ना, समझ आई है, और वजह जो है ना वो जो सबसे मैंने बताया था ना चरतम समसला राजी करना था शर्त वैसे भी दिस, समझ आई है, तो इसको इस दिस की समझ नहीं आ रही। तो खबर माने पूछ भाई उसे चेंज समझ आ रहा है, ये चेंज विशेषता को चेंज कितना नमूंगा दिस लिख लो। अब प्रॉब्लम ये है ना, ये तो काफ़ी ऊपर है, मैं इधर सिखाऊंगा। देखें मसला ये है कि आप अगर यहाँ दिस डॉट सेट स्टेट लिखते हैं तो इसका मतलब ये है ये दिस किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, मुझे बताएं इस दिस को हमें किस को रेफ़र कराना चाहिए, मुझे बताएं। ये जो क्लास है इसे असल में इस दिस का मतलब ये है कि करंट क्लास के अंदर हमारे पास एक स्टेट है जिसको मैंने मॉडिफाई करना है। तो असल में ये फंक्शन इस क्लास के अंदर नहीं है, ये फंक्शन कहाँ पे है, ये इस रेंडर फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब कहेंगे कि दिस, तो ये इस रेंडर से पूछ रहा है, ये इस रेंडर से कह रहा है जैसे अगर हमारा का स्टेट लग चेंज का नो रेंडर वर्द स्टेट कम जिसको ना भेजना, स्टेट किसके साथ बाइंड है, स्टेट असल में बाइंड है इस क्लास के साथ और हम किस से मांग रहे हैं स्टेट को, रेंडर से। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ठीक करना है, इसको समझाना है कि जब आप कहें दिस तो इसका मतलब कौन से वाला दिस हो, क्लास वाला दिस हो, ये फंक्शन वाला दिस ना हो। इसकी समझ आई है, आसान तरीका तो ये है कि इसको एरो करें,
बस मसाला हल हुआ, ठीक हुआ। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग ये यूज़ करते हैं। अभी भी आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे ना तो आपको हेल्प नज़र आएगी, तो उस हेल्प में इस किस्म के अल्फाज लिखे होंगे, तो फिर शायद आपको समझना है। ये कभी भी इस तरह से इस्तेमाल ना करें जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट और फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? चेंज डॉट बाइंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक था नोदा प्रतीक्षी, समझ आई है? मेरे ख्याल में ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, अभी वो इंटरनेट नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसे ही है, या ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक शुआ। अभी वो लाइन मुझे पूरी याद नहीं है, वो उमदुम रजल पर दिस थे, समझ आई है? कम अज़ कम इतनी दफ़ा इसमें दिस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो चेंज का फंक्शन है, इसको हमने समझाया है कि आप ये एरो वाला दिस यूज़ करो, अपने वाला दिस यूज़ ना करो। तो अब अगर हम इसके अंदर आकर दिस डॉट सेट स्टेट लिखते हैं तो इसको पता है कि दिस कौन है, समझ आई है? दिस कौन से वाला है? क्लास वाला है, ये वाला नहीं है। अभी मुझे याद नहीं है कि ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है, चेक कर लेंगे। कैसे डेर ज्यादा गिली होना कि नोब्या बोमदाई हो भी हो का गिली हो कि नोब्या बदा नहीं आगा डेर ज्यादा शुरू के लगे आदि ऑलरेडी, ठीक शो। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही है, दिस डॉट चेंज डॉट बाइंड इज इक्वल टू दिस है कि क्या है यार, इसी तरह से है। मैं असल में इस्तेमाल नहीं करता ना ये, तो इस वजह से मुझे भूल जाता है, ये उधर देखना पड़ेगा, लेकिन दिस बाइंडिंग में ये इसी तरह से है। अच्छा ये भी है, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा उस पर ग्रुप पे, मैं सेंड कर दूंगा कि इसका क्या है, लेकिन इस तरह से इसकी दिस बाइंडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे नॉर्मल फंक्शंस में। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? इसको एरो बनाएं, एरो बनाएंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक शो। ये लाइन मैं आपको फिर इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा, ये फिर मॉडिफाई कर देंगे कल इंशाल्लाह, ठीक शो। दसुपति खबर हमारे पूछ भाई, नो ट्राई टू अवॉइड फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस इनसाइड अ क्लास, उसके लिए फिर आप, और ये याद रखें कि जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाएंगे तो फिर हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर क्लास के अंदर हम डायरेक्टली कोई फंक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट का एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो इसके अंदर फिर आप इसको यहाँ पर आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एरर देगा, समझ आई है? समझ आई है ना? तो अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो फिर तो लिखेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली क्लास के अंदर है फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ होता है उसमें वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाला मसला होगा। अच्छा दो जगह मर्न की क्लास हो रही है, वहाँ पे भी आज मर्न की क्लास है, अच्छी बात है। नुसे को उसी मकरम वाला खबर हो जाए मुकाबला। अच्छा मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं सिर्फ मतलब मैं मुझसे आप वो इंडस्ट्री वाले वो एक्सपेक्ट ना करें, जगह चीज़ों को और सारा टीचिंग हम घूमें ना ना मसला, तो मेरे ख्याल में मैं हार ही जाऊँगा, मुझे ये लगता है। चलो खैर अब इसको वो करते हैं। अभी एक टॉपिक है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा, उस टॉपिक से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट्स वगैरह समझा दूँ क्योंकि लिस्ट भी काफ़ी ज़रूरी है, लिस्ट्स डॉट जेएस, और फिर आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे सकता हूँ जो कि आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। देखें अब हमने फ़र्ज़ कर लें एक कंपोनेंट बना दिया है और इस कंपोनेंट का नाम जी दलता रिएक्टली कई एक्सटेंशंस के और यो एक्सटेंशन वराशी अगर इंस्टॉल कही द अगेन अमदा रिएक्ट रिडक्स ये सेवन रिएक्ट रिडक्स द एक्सटेंशन दे द इंस्टॉल कही बस सर से बटीक शी, ठीक शो। फिर ये आप रिएक्ट भी यूज़ कर सकेंगे, रिडक्स सारा कुछ यूज़ कर सकेंगे। अभी तक हम जितना स्टेट इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो एक एक वैल्यू है, लेट सपोज अगर वो एक पूरा एरे है फिर क्या करेंगे, ठीक शो करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ऐसे लिखूं, बल्कि मैं आपके सामने लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी अभी करेंगे उस बजानटिंग की, हाँ ठीक वगैरह। अगर मैं इधर कंस्ट्रक्टर डाल दूं और इधर मैं सुपर लिखूं दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और यह मैं मार्क्स लिखूं फॉर एग्जांपल किसी के मार्क्स हैं और ये एक एरे की फॉर्म में है, सही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1, 2, 3, 4, 5 या जितने भी हैं इस तरह से मैं मार्क्स लिख सकता हूँ, ठीक शो। तो ये मार्क्स हो गए, अगर हमने इस मार्क्स को यहाँ पे रेंडर करना है तो ये कैसे करेंगे? यानी अभी तक तो हम बड़ी आसानी से एक एक लफ्ज़ ये 0 और 1 तो हम डिस्प्ले करते आ रहे हैं,
यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो ये जितनी जावास्क्रिप्ट मैंने आपको सिखाई थी ना, ये इसीलिए थी कि यहाँ पे आपके काम आएगी मैपिंग को, सिंपल मैपिंग को। बस हमारा मैंने पूछ भी करा, यहाँ हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट मार्क्स डॉट मैप, मैप करो किस चीज़ को, एक एक मार्क, एक एक स्टूडेंट के मार्क्स को वो करो, क्या है, मैप करो, और इससे जो जो मार्क्स आपके आते जाएं उसको एक li में डालते जाओ, किस में, li में। तो इस div के ऊपर इस यहाँ पे इस मैपिंग से पहले मैं एक ul डाल दूंगा, ul पेज नहीं करना, और इस ul को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, और इस ul के बीच में मैंने क्या स्टार्ट किया, ये li। तो बस इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, ये इधर ही कर लें, बल्कि चलो मैं बंद हो गया। ओ ये तो मैं आपको अभी टास्क देने वाला था, चलो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से लिस्ट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी आपके लिए लिस्ट मॉडिफाई करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि मैपिंग और फिल्टरिंग और ये सारा कुछ आप कर चुके हैं। तो अब हम स्टेट से वैल्यूज़ उठाते जाएंगे और स्टेट को मॉडिफाई करते जाएंगे जिस तरह से हम यूजुअली करते आ रहे थे। और इसके बाद जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला था वो ये है कि हम API से वैल्यूज़ फेच करेंगे, ठीक हो गया ना, API से वैल्यूज़ फेच करेंगे, उसको असाइन करेंगे स्टेट को, और फिर स्टेट से रेंडर करके डिस्प्ले करेंगे। समझ आई है? पति खबर है कि सो पूछे हुए मतलब दे रहे जी सो गुजारा उसको, ठीक हो गया ना, आपका नहीं बस गया। और अगर ये आपको समझ आ गई जितना मैंने अभी बताया है, तो बिलीव इट और नॉट आपको रिएक्ट में कोई मुश्किल नहीं होगी होपफुली, क्योंकि यही करना है हमने। हम वैल्यूज़ API से फेच करते हैं, स्टेट को असाइन करते हैं और नीचे लाकर रेंडर करते हैं। समझ आई है? और अभी वो लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसमें तो मतलब फिर जब कंपोनेंट खुद रेंडर हो रहा है ना तो ऑटोमेटिकली आपको ये करके दे देता है नागा मदर, तो ओके खैर नहीं, लेकिन वो हम एक्सियस से करेंगे, उस बा एक्सियस यूज़ को, उस बा फेच API नहीं यूज़ को, ना बमूंगा डायरेक्ट AJAX यूज़ को, बिकॉज वी हैव एक्सेस टू एक्सियस नाउ। अवल को नो एक्सियस करें, NPM हम नो वेले नो पता ना हुआ, अभी एक्सियस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। खैर ये ऑन कर दें ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए।